तो देखिए किस तरीके से यहाँ का जो कार्य है बुलडोजर का वो हो पा रहा है। देखिए काफी तेज गति से फ्रेंड्स, देखिए इधर चले चलते हैं। सामने सतुआ बाबा आश्रम है और इधर से भी एक कचौड़ी गली है, जो कचौड़ी गली से घूम के जाएंगे तो सभी को देखने को मिलेगा सेवा कैफे इसी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर। ये सीवेज पंपिंग स्टेशन और इसी के बगल से देखिए एकदम से धराशाही कर दिया गया है पूरा। ये देखिए एकदम साफ़ सुथरा हो गया, यहाँ पे काफ़ी मलबा हुआ करता था जो कि एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरीके का यहाँ पे जो दृश्य है वो आप सभी देख पा रहे हैं। वो सामने चिमनी है जो कि चिमनी भी एकदम से अब तोड़ फोड़ रही है गवर्नमेंट तरफ से, देख सकते हैं पूरा वो चिमनी गायब हो गया है, ऊपर रोक लग गया है जाने के लिए। तो चिमनी भी हट रहा है धीरे धीरे, समाप्त हो रहा है। ऊपर का जो टीना है चिमनी का वो हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है उसे, जितने भी फ्रेम हैं उसको हटाया जा रहा है। वहाँ पे गेट बंद कर दिया गया है फ्रेंड्स, गेट तो बंद ही है। और ये मंदिर है भगवान शंकर का, मंदिर वगैरह टूटेगा नहीं, रिडेवलपमेंट कर दिया जाएगा उसे। देखिए पूरा चिमनी है, पूरा मंदिर दिख रहा है यहाँ पे। देखिए कैसे यहाँ पे जो वर्क है हो गया है प्रोसेस में। तो बुलडोजर के माध्यम से काफ़ी यहाँ पे जो मकान था उसे तोड़ दिया गया है, इधर पूरा जो मकान था उसे भी एकदम हटा दिया गया है। यहाँ पे ढेर सारा मलबा पड़ा था, देख सकते जितना नया बना हुआ घाट उसे छोड़कर बकिया सब जो है उसे हटाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। मणिकर्णिका घाट पे देखिए तो कैसे इसका काम चल रहा है आप सभी के नजरों के सामने है। ये देखिए पूरा ये भी तोड़कर अभी हटाया जाएगा, ये मंदिर नहीं एक्चुअली में बस सोने के लिए स्पेस है। देखिए इसको भी हटा दिया जाएगा एकदम तोड़ तोड़ के। फिलहाल ये सामने देख सकते हैं कि पूरा मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। ये बुलडोजर काफ़ी तेज़ी से कार्य करता है, काफ़ी ये मजबूत होता है, ये हर जगह जाने में सक्षम है। टायर वाला फ्रेंड्स उसमें थोड़ा दिक्कत आती है लेकिन इसमें दिक्कत कोई नहीं होता है, वो आसानी से काम कर लेता है। और आप सभी को एक जानकारी दे दें कि उस तरफ जाइए आप सभी, अगर नहीं घूमने हैं तो एक बार ज़रूर घूमें, कहें कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और ऊँट और घोड़े की सवारी 150 रुपये में आप सभी को पूरा कई राउंड घुमाया जाएगा, जो बेहद ही शानदार है। नाव से उस तरफ जाइए, उस तरफ जाके फ्रेंड्स घूमिए, और बगल में भव्य कॉरिडोर तो देख ही रहे हैं, दर्शन भी कर सकते हैं आप सभी। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये कि आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे पैकेज वगैरह भी दिया गया है जो कि आप सभी आसानी से घूम सकते हैं। ये घाट बन जाए तो और रीडेवलपमेंट का जो काम है ये होने के बाद यहाँ पर और भी सुविधाएँ होंगी, वेटिंग हॉल से लेकर टॉयलेट से लेकर यहाँ पे हर एक ऐसी सुविधा होगी जो कि घाट में होना चाहिए, उससे भी कहीं बढ़कर गवर्नमेंट यहाँ पे जो कार्य है वो कराएगी। हरिश्चंद्र घाट का भी आपने वीडियो देखा ही होगा। आइए थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं आप सभी को, घूमने के बाद आप सभी उधर चलिए।
थोड़ा पास चल के इधर से दिखाते हैं आप सभी को, ये गली से होके तो इधर से हम ऐसे चलेंगे जो कि बीच में ही ये गली पड़ता है सतुआ बाबा आश्रम के ठीक बाजू से बगल से। विश्वनाथ मंदिर इधर भी दर्शन कर सकते हैं, ये गेट है, सीधे जाएंगे तो आप सभी को कचौड़ी वाली होते हुए गेट नंबर 4 जा सकते हैं, और इधर जाएंगे तो मणिकर्णिका घाट। हम चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ, इतने सारे लोग जो हैं फ्रेंड्स वो आए हुए हैं। ये देखिए मणिकर्णिका घाट है पूरा लकड़ियों का गट्ठा। गवर्नमेंट तरफ से आदेश किया गया है कि ये जो लकड़ियों का गट्ठा है अब मणिकर्णिका घाट पे ना होके उस पर जाएगा, उस पर जाने के बाद ही यहाँ का जो कार्य है वो होगा। तो यहाँ से आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया एकदम, पूरा रिडेवलपमेंट काम किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बुलडोजर लगा हुआ देख सकते हैं पूरा। यहाँ से भव्य कॉरिडोर भी दिखाई दे रहा है सभी फ्रेंड्स, देखिए सब ऊपर देखे चिमनी हटाया जा रहा है पूरा, दुकानें इधर सुरक्षा हरदम पहनो उचित साधन यहाँ पे लगाया गया है, और ये चिमनी देख सकते हैं नल से हटाया जा रहा है जो कि रूपा फाउंडेशन द्वारा CSR के तहत वित्त पोषित था। देखिए सब दुकानें जो हैं वो एक रस में हो जाएंगी ये घाट रिडेवलपमेंट होने के बाद, देखो जितनी भी दुकानें हैं ना वो सब एक रस हो जाएगा। जैसा कि आप सभी ने विंध्याचल कॉरिडोर के अंदर देखा होगा, विश्वनाथ मंदिर के अंदर देखा होगा, तो सेम टू सेम उसी तरह हरकत हो जाएगा सब कुछ यहाँ का। काम तो काफी गति से हो रहा है। तो ये मणिकर्णिका घाट होने के बाद यहाँ पे नीचे से देख सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे, ये दुकानें जो है वो एक रस हो जाएंगी, काफी थोड़ा फायदा होने वाला यहाँ के लोगों को। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से काम जो है वो यहाँ पे हुआ है, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है फ्रेंड्स देखने में, धूप भी कड़ी है और नज़ारा भी कड़ा है। जीवी का जो आगे का ये हिस्सा है ये तोड़ के हटा के पत्थर तोड़ने का जो काम है वो हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए पूरा ऊपर में गया था आप सभी को दिखाने के लिए। हाँ
आज के बड़ों बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, महादेव कीप सपोर्ट, ऐसे ही हमेशा साथ देते रहिए। आपका साथ ही हमारे लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स। ये मिर्ज़ापुर का आया हुआ है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हर महादेव, जय बाबा महाशमशान नाथ की जय। चलिए ऊपर चलते हैं। ये बाबा महाशमशान का मंदिर है। इंसान की होली मनाने के उपरांत यहाँ पे जो पूजा होने के बाद ही यहाँ पे कुछ होता है। बस आज का बस इतना ही।